कलेक्ट्री अधिवक्ता एसोसिएशन, दीवानी कचहरी बार एसोसिएशन और कमिश्नरी कोर्ट अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित अधिवक्ता सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अपनी मांगों को लेकर 25 अप्रैल को धरना प्रदर्शन और मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाई गई। आपको बताते चलें कि सभी तहसीलों के एसडीएम अपने क्षेत्र के मुकदमों को हर सोमवार गोरखपुर के हेडक्वार्टर में निस्तारण के लिए आते हैं, लेकिन अब उन एसडीएम को अपने ही क्षेत्र में विवादों का निस्तारण करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे काश्तकारों को नुकसान पहुंच रहा है। यही कारण है कि अधिवक्ता 6 अप्रैल से लगातार आंदोलनरत है। बैठक में दीवानी कचहरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, मंत्री प्रियानंद सिंह, अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, मंत्री रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, दी कमिश्नर कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश्वर शाही सहित कई अधिवक्तागण मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के मंत्री रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया, वार्ता का एक चक्र जिले के प्रशासन से और शासन के शीर्ष तक पहुंच, हमने निर्णय लिया, कोई हल न मिलने के बाद ये निर्णय लिया कि हम धरना प्रदर्शन करें। कैसे हो उस पर आज हम चर्चा करें। कल के लिए हमने प्रदर्शन का निर्णय लिया हुआ है जनरल। मेरा सुझाव यह है कि कल जो प्रदर्शन का निर्णय हमने लिया है उस निर्णय को हम अमल में ला लें और एक बेहतर तरीके से जहां तक हो सके एक भव्य प्रदर्शन जो है यहां अपने कलेक्ट्रेट से जो है और कमिश्नर के यहां तक जाए, प्रदर्शन हो, वहां पर धरना दें, वहां पर आने जाने वाले लोग तमाम जन सामान्य जन उसको उससे वाकिफ होते हैं कि हम क्यों आंदोलन पर हैं, वो भी चीजें हों। इस बीच मैं इस मत का हूँ, मैं भी इस मत का हूँ कि मुख्यमंत्री गोरखपुर में आ रहे हैं, उनके मिलने का समय नियत करके हमारा प्रतिनिधिमंडल अथवा एक हुजूम में जैसा भी निर्णय लें चल करके फिर एक बार यह बातें रखी जाए, कर दीजिए 29 को चल करके इस पर बात करने का एक स्थिति पैदा हो, उनका समय लिया जाए, ये मेरा सुझाव है। कल उनके धरने में सम्मिलित भी होंगे, कल इनके साथ हम न्यायिक कार्य से जुड़ भी रहेंगे और जहाँ जब जब भी हमको इनका जिस तरह से हमारी जरूरत की आवश्यकता होगी हम इनके साथ हैं, इनके साथ रहेंगे, जहाँ भी चाहें, चाहे यहाँ, चाहे मंदिर, चाहे कमिश्नर, जहाँ भी चाहें तहाँ इनके साथ साथ रहेंगे, इन्हीं सब लोगों के साथ। संख्या में जाइए और कम से कम कहा जाए कि क्या आप ही के जमाने में यहाँ मायावती के जमाने में चलता रहा, मुलायम सिंह के जमाने में चलता रहा, कांग्रेस के जमाने में चलता रहा, तो क्या बड़े जनहित वाले हो गए। ये जनहित ये देख रहे हैं कौन सा एसडीएम जो है जो रहता है तहसील में बांस गांव गोला, कौन लोग रहते हैं, रोज सबके मकानात यहाँ हैं, सब यहाँ रहते हैं, रोज अप डाउन करते हैं और यहाँ अगर 2-3 घंटे बैठ करके उन्होंने काम कर लिया तो उसे जनहित प्रभावित, ये जनहित की बात करते हैं, ये स्वेच्छाचारिता अपनी चलाने के लिए आड़ ले रहे हैं जनहित का, जनहित इसमें कहीं नहीं है। जनहित इसमें यह है कि कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब एक दिन बांसगांव में जा करके एसडीएम या तहसीलदार के कोर्ट में चैम्बर में बिना बताए बैठ जाए और वहाँ कुछ अधिवक्ता जिस ढंग से पेश आते हैं, जिस ढंग से ये अधिकारी जो है वहाँ उनको झेलते हैं, तब इनको पता चल जाएगा कि क्या तस्वीरों में हो रहा है। जो अराजकता है वहाँ तमाम बातकारी जाते हैं, गवाह लेके गवाह नहीं गुजरने पाते हैं, चाहे वो गोला हो, चाहे बांसगांव हो, चाहे अन्य तहसील हो, उनको कम से कम एक सुकून है, उनके लिए कम से कम एक स्थान ऐसा है कि जहाँ मुकदमा वो सुचारू ढंग से अपना चला पाते हैं और आकर के गवाही में लगा है तो गवाह कम से कम निरापद ढंग से वहाँ पेश कराना, जरा कलेक्टर कमिश्नर देखा उन पीड़ितों से क्या हालत है। वो तमाम बाधकारी इसलिए आते हैं कि हमारा मुकदमा किसी तरह तहसील से पार्टनर पर मंगवाइए, एक भी रिकॉर्ड माने महीने में हम लोग 10-5 ट्रांसफर अप्लीकेशन मूव करते हैं, लेकिन एक भी बाधकारी नहीं आया कि हमारा मुकदमा गोरखपुर में चल रहा है उसको ट्रांसफर करा के किसी तरह तहसील में भेजवा दी। हम लोगों की पूरा जिले के सभी जिला एसोसिएशन के कमिश्नर कोर्ट का दीवानी न्यायालय के सभी संगठनों का बैठक हुई है
इसलिए निर्णय लिया गया है कि हम लोग अभी कल और परसों दो दिन न्यायिक कार्य से और रहेंगे। कल हम लोग जुलूस निकाल करके जो है माननीय मंडलायुक्त महोदय कार्यालय तक जाएंगे, वहाँ अपनी मांगों को रखेंगे, पत्र देंगे, तब वहाँ हम लोग अपना प्रदर्शन करेंगे। तत्पश्चात अगर कल तक शाम का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग परसों पुनः जो है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने धरना। क्या मुख्य मांग है आप? हमारी मुख्य मांग यही है कि उप जिलाधिकारीगण जो गोरखपुर में एक दिन जिला हेडक्वार्टर पर बैठ करके न्यायिक कार्य करते हैं, इस न्यायिक कार्य को यथावत चलना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देशित भी किया कि इस समस्या का समाधान निकाला माननीय मंडलायुक्त महोदय को, लेकिन मंडलायुक्त महोदय अपने अड़ियल रवैये पर रुके चले हुए हैं और उनका यह कहना है कि नहीं साहब, मैं एसडीओ को वापस करूँगा। ऐसी परिस्थिति में यह जनहित में, बाध्यकारी हित में बहुत ही अन्यायपूर्ण निर्णय है, जिसका बना रहना कतई संभव नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को एक दिन जो है जिलाधिकारी महोदय को उप जिलाधिकारी को बैठना चाहिए। दूसरी बात, हमने अपने सूत्रों से पता किया है आजमगढ़ में सभी उप जिलाधिकारीगढ़ दो दिन सप्ताह में दो दिन बैठ करके न्यायिक कार्य करते हैं और वहाँ पर कोई कहीं विरोध नहीं है जो है, और यहाँ तक कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिस्पोजल जो गोरखपुर में एक दिन बैठ करके जितना अधिक कार्य कर लेते हैं हमारे एसडीओ लोग, उतना उससे कम काम तहसीलों पर होता है। इस मानक को भी हमारे जिलाधिकारी महोदय कमिश्नर महोदय ध्यान में रखें। इसलिए हम लोग अभी हमारी जनरल बॉडी यह निर्णय ली है कि कल हम लोग मंडलायुक्त महोदय कार्यालय तक अपना प्रश्न करेंगे, तब परसों से जिलाधिकारी महोदय को हम उठाएंगे।